नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और आगे भी आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हर आम इंसान से जुड़ी हुई है। आम इंसान से जुड़ी हुई है कहने से मेरा मतलब है ये कहानी है एक अपने नए घर की तलाश की। एक जोड़ा जिसमें पति पत्नी थे जिनका नाम था विनय और श्रद्धा। इन दोनों की शादी हुए लगभग 2 साल बीत चुके थे। दोनों अपना घर बनाना चाहते थे या फिर खरीदना चाहते थे। दोनों के ज़िंदगी का यही एक सपना था क्योंकि उन दोनों को अपने घर की इच्छा बहुत सालों से थी। विनय और श्रद्धा के परिवार में भी उनके माता पिता ने आज तक अपना घर ना तो बनाया और ना ही वो खरीद पाए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि विनय और श्रद्धा दोनों एक सामान्य स्तर के परिवार से आते थे। उन दोनों के परिवार में आज तक अपने घर का सपना ही देखा था। विनय और श्रद्धा ये चाहते थे कि वो ये सपना अपने बलबूते पर पूरा करें। दोनों जॉब करते थे। दोनों की जॉब ठीक ठाक थी और दोनों अच्छे खासे पैसे भी बचा लिया करते थे। लेकिन जहां वो रह रहे थे, मतलब जिस शहर में वो थे, उस शहर में जितनी महंगाई थी, वहां अपना घर खरीदना या बनाना बहुत बड़ी बात थी। दोनों ने फिर भी इस सपने को सच कर दिखाने की कसम ले रखी थी और दोनों अपने जॉब को करते हुए लगातार एक अच्छे मन लायक घर की तलाश कर रहे थे। ऐसे ही घर की तलाश करते करते वो दोनों एक जगह पहुँचे जहाँ पर उन्हें ये पता चला कि अच्छे बजट में सस्ते दामों पर बहुत अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं और बिक रहे हैं। उन दोनों को जैसे ही ये बात पता चली, दोनों तुरंत उस जगह पर एक साथ पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही उन्हें अब एक ऐसा घर पता चला जो घर उनके बजट में भी था। उनके हिसाब से वो लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। अब दोनों को वो घर जल्दी से जल्दी देखना था, लेकिन वो आज उस घर को नहीं देख पाए क्योंकि उस घर की चाबी जिसको दी गई थी वो इंसान वहाँ पर आज आने में सक्षम नहीं था। इस वजह से जिनके पास वो घर देखने के लिए गए थे, मतलब आप उसे बिल्डर भी कह सकते हैं, एजेंट भी या ब्रोकर भी, उसने ये कहकर उन दोनों को कल आने के लिए कहा कि वो कल आ जाएं, वो उन्हें उस घर को कल दिखा देगा। वो दोनों चले गए। दोनों को अब उस घर को देखने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। दोनों उस घर को देखने के लिए अगली ही सुबह समय रहते वहाँ पर पहुँच चुके थे और वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ उस बिल्डर के अलावा एक दूसरा आदमी भी मौजूद था। बिल्डर के हिसाब से उस घर की चाबी उसी इंसान के पास रहती थी ताकि वो लोगों को वो घर दिखाकर जल्दी से जल्दी उस घर को बुक करवा दे। उसी इंसान के साथ श्रद्धा और विनय दोनों को जाकर घर देखना था। दोनों घर देखने के लिए निकल चुके थे। वो जो घर दिखाने वाला एजेंट था, उसने श्रद्धा और विनय से कहा कि उसे एक ज़रूरी काम और है, तो वो अब वो ज़रूरी काम करने के लिए जा रहा है और उन्हें वो घर जिस गाड़ी से वो उस एजेंट के साथ घर देखने के लिए जा रहे थे, एजेंट ने उस ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप दोनों को ये घर
ये ड्राइवर दिखा देगा और आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप वो घर तसल्ली से देख लें, उसके बाद ये आपको ऑफिस तक छोड़ देगा जहाँ से आप वापस अपने घर जा सकते हैं। ये बात सुनकर उन दोनों को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि उनके मुताबिक वही एजेंट था जो कि वो घर दिखाने वाला था, और अब अचानक वो कह रहा है कि उसे कोई दूसरा काम आ गया। ऐसा कैसे और क्यों? लेकिन उन दोनों को तो सिर्फ घर देखने से मतलब था, उन्होंने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। उस एजेंट ने गाड़ी रुकवाई और वो वहीं पर उतर गया। वो उतर कर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। ड्राइवर गाड़ी लेकर आगे बढ़ चुका था और जो लोकेशन उनको बताई गई थी उसके हिसाब से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उस लोकेशन तक पहुँचने में आधे घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन गाड़ी लगातार एक घंटे से आगे बढ़ी जा रही थी और अभी तक वो जगह नहीं आई थी। आखिरकार दोनों का सब्र का बांध टूटा और दोनों ने ड्राइवर से तुरंत सवाल किया, भाई हमें कहाँ जाना है? हमें तो लोकेशन जो बताई गई थी उसके हिसाब से हमें अभी तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, और तुम हो कि लगातार एक घंटे से बस गाड़ी चलाए जा रहे हो, कुछ बता भी नहीं रहे कि हमें जाना कहाँ है। ड्राइवर ने एक बार सवाल पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, भैया हम आपसे ही बात कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? इस पर ड्राइवर ने थोड़ा सा अलग और रूड तरीके से जवाब दिया, चुपचाप बैठे रहो, जहाँ जाना है वहाँ तुमको पहुँचा रहा हूँ। और इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखने लगे। दोनों को उस ड्राइवर का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसके इतना रूड बात करने की वजह से उन दोनों ने अब कुछ भी नहीं बोलना सही समझा। वो दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे। आखिरकार लगभग 1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो उस लोकेशन पे पहुँचे, और उस लोकेशन पे पहुँचकर उन्होंने देखा वहाँ बहुत अच्छी खासी बड़ी सोसाइटी बनी हुई थी। वो सोसाइटी लग रहा था जैसे काफ़ी लंबे चौड़े जगह में फैली हुई है। उस सोसाइटी को बाहर से देखकर ही उन दोनों के तो जैसे होश उड़ गए थे। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी खूबसूरत, इतनी आलीशान सोसाइटी में इतने कम दामों में घर कैसे मिल सकता है। लेकिन उन दोनों ने इन चीज़ों की फिक्र नहीं की और वो ड्राइवर से ये कहने लगे, इसमें से कौन सा घर आप हमें दिखाने के लिए लाए हैं? ड्राइवर ने फिर से बहुत ही रूढ़ तरीके से जवाब देते हुए कहा, आपकी मर्ज़ी, आपको जो घर देखना है आप देख सकते हैं, अभी तक ज़्यादातर घर खाली ही हैं और सारे घर एक एक करके बिकने के बाद ही लोग यहाँ पर आएंगे। और इतना कहकर वो वहीं सोसाइटी के बाहर ही गाड़ी रोक कर खड़ा हो गया। श्रद्धा और विनय दोनों को ये सब चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन उस ड्राइवर के बिहेवियर के वजह से उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप उससे चाबी लेकर अंदर चले गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक जो कि सबसे पहला फेज का पहला मकान था उसमें जाकर एक कमरे में चाबी लगाई, और चाबी लगाते ही वो ताला तुरंत खुल गया, मानो जैसे कि वो चाबी उसी फ्लैट की हो। लेकिन उन दोनों ने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो चुपचाप घर को देखने लगे। वो घर इतना खूबसूरत था जो कि सच में इनके सपनों का घर जैसा लग रहा था। वो अब धीरे धीरे घर के अंदर एंटर हुए, और घर के अंदर एंटर होते ही उन्हें बड़ी अजीब तरह की बदबू उस घर में महसूस होने लगी। लेकिन उस बदबू के बारे में पूछने पर विनय ने तुरंत श्रद्धा को समझाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, घर बना है नया और इतने दिनों से बंद है, ना कोई हवा ना कोई वेंटिलेशन, उसी के वजह से ये बदबू होगी, और कुछ नहीं है, तुम इतना ध्यान मत दो। और दोनों अंदर जाकर घर को गौर से देखने लगे। वो घर 3 BHK था
और ऐसी जगह पर 3 BHK वो भी इतने कम प्राइस में मिलना बहुत ही मुश्किल था। वो पूरे घर को ध्यान से देख रहे थे। घर का कलर, घर का स्ट्रक्चर, सब कुछ इतना बेहतरीन था कि वो तो उस घर को देखकर जैसे मंत्रमुग्ध से हो गए थे। उन्होंने उस घर को बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह घूम घूम कर देखा और अब वो पूरा घर अच्छी तरह से देख चुके थे। श्रद्धा का तो मन ही नहीं भर रहा था और श्रद्धा ने अब ये कहा, हमने घर तो देख लिया, हमें घर भी बहुत पसंद आ गया, ये सोसाइटी भी बहुत सुंदर है, क्यों ना हम एक बार चलकर पूरी सोसाइटी भी घूम कर देख लें। इस पर विनय ने भी तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने घर का ताला बंद किया और बंद करते ही उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था, वो घर तो पूरा का पूरा खाली था। विनय ने फिर से एक बार दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। तभी विनय का ध्यान सबसे अंदर वाले 3रे कमरे पर गया और वहाँ उसका ध्यान जाते ही उसने देखा बहुत तेज़ी से एक काला साया तुरंत इधर से उधर भागकर अंदर चला गया। विनय को ऐसा लगा जैसे कोई था जो कि भागकर छुपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, अभी तुरंत तो उन दोनों ने उस पूरे घर को अच्छी तरह से देखा था और वहाँ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जहाँ कोई छुप सके, तो घर में ये 3रा इंसान कौन है। विनय ने एक बार अंदर जाकर भी अच्छे से देखा लेकिन उस कमरे में उसे कोई भी नज़र नहीं आया, बल्कि उस कमरे में वो बदबू जो उन्हें घर में घुसने पर महसूस हो रही थी, वो बदबू बहुत ज़्यादा और बहुत तेज थी। इतनी ज़्यादा बदबू जो कि विनय बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कमरे में देखा कोई नहीं था, वो तुरंत उस घर से निकलकर बाहर आया और उसने वापस से ताला लगा दिया। ताला लगाकर वो 2-4 कदम आगे ही बढ़े होंगे कि उन्हें फिर से वैसे ही घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर श्रद्धा ने कहा, तुमने ठीक से चेक तो किया था ना, अंदर कुछ गिरा तो नहीं है, और क्या चीज़ की आवाज़ थी ये। ये सुनते ही विनय ने श्रद्धा को पूरी बात ना बताते हुए कहा, अरे यार तुम भी कैसी बातें कर रही हो, घर में कुछ है क्या गिरने के लिए, हमारे कान बज रहे होंगे या फिर इधर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा होगा जहाँ की उठा पटक की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। श्रद्धा ने भी अब इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो दोनों नीचे उतर कर पूरी सोसाइटी में घूमने लगे। वहाँ सब कुछ था, बहुत सुंदर सा स्विमिंग पूल भी था जिसको देखकर श्रद्धा खुद को रोक नहीं पाई और वो तुरंत ही स्विमिंग पूल के पानी को छूने के लिए नीचे झुक गई। जैसे ही वो झुकी और उसने उस पूल के पानी को हाथ लगाया, वो पूल का पानी पूरी तरह से गर्म था, इतना गर्म जैसे किसी ने उस पूल में खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। श्रद्धा को ऐसे लगा जैसे उसके हाथ जल गए और श्रद्धा के मुंह से तेज चीख निकल गई। श्रद्धा के ऐसे चीखते ही विनय भागकर उसके पास आया और उससे पूछने लगा, क्या हो गया, पानी बहुत ठंडा है क्या। श्रद्धा ने कहा, नहीं पानी बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल गए। ये सुनते ही विनय ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, पूल में गर्म पानी कहाँ से आ सकता है। ये कहकर विनय ने भी पूल में अपना हाथ डाला, लेकिन पूल का पानी बिल्कुल सामान्य था, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। अब विनय ने श्रद्धा को डांटते हुए कहा, मजाक करना बंद करो, नॉर्मल तो है पानी, कुछ भी बोल रही हो। वो दोनों वहाँ से उठे और आगे बढ़ने लगे। श्रद्धा बार बार पीछे मुड़कर उस पूल की तरफ देख रही थी। तभी अचानक श्रद्धा को ऐसा लगा जैसे उस पूल में अचानक कोई कूदा हो। पानी की बहुत तेज आवाज़ आई और बहुत सारा पानी पूल से उछलकर बाहर फर्श पर गिरा। श्रद्धा ने वो देखा
उसने विनय को तुरंत पीछे पलटकर देखने के लिए कहा, लेकिन पीछे सब कुछ सामान्य था। और विनय ने अब श्रद्धा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ना लग रहा है पूल देख के कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई हो, बच्चों की तरह हरकतें मत करो, चलो हमें जाना है। और ये कहकर विनय श्रद्धा को खींचता हुआ आगे सोसाइटी में घूमने के लिए लेकर गया। अब श्रद्धा थोड़ा घबरा रही थी। श्रद्धा ने मना किया, उसने कहा, वैसे भी अगर हम ये घर ले लेंगे तो हम यहीं आने वाले हैं, हम तब देख लेंगे ना यार, ऐसे मत करो, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम चलते हैं वापस। ये बात सुनकर विनय ने एक बार श्रद्धा की तरफ देखा, लेकिन श्रद्धा अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। श्रद्धा के कहने पर वो दोनों सोसाइटी के बाहर निकल कर आए। लेकिन ये क्या, सोसाइटी के बाहर तो ना ड्राइवर था और ना ही गाड़ी। वो दोनों ड्राइवर और गाड़ी को इधर उधर ढूंढने लगे, आवाज़ देने लगे, लेकिन ड्राइवर और गाड़ी दोनों का कहीं भी अता पता नहीं चला। शहर से इतनी दूर आने के बाद अब वो दोनों वापस कैसे जाएंगे, अगर वो ड्राइवर कहीं चला गया है तो। उन दोनों को काफ़ी चिंता होने लगी और वो दोनों आगे जाकर ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन काफ़ी देर तक ड्राइवर को ढूंढने के बाद भी उन्हें ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने बिल्डर को कॉल किया, एजेंट को कॉल किया, लेकिन दोनों का फ़ोन बंद आ रहा था। अब वो दोनों काफ़ी घबरा चुके थे। ये जगह शहर से काफ़ी दूर बाहर थी, जिसके वजह से यहाँ पर सवारी गाड़ी का या किसी भी गाड़ी का ज़्यादा आना जाना भी नहीं था। वो दोनों अब आगे पैदल ऐसे ही चलते जा रहे थे, ये सोचकर कि मेन रोड पर पहुंचने के बाद अगर उन्हें कोई गाड़ी मिलेगी तो वो उससे अपने घर तक चले जाएंगे। लेकिन बहुत देर तक चलने के बाद भी उन्हें ना तो मेन सड़क मिल रही थी और ना ही कोई गाड़ी। वो दोनों बहुत परेशान हो चुके थे, थक चुके थे। अब तो धीरे धीरे उन दोनों को प्यास भी लग रही थी। आखिरकार उन दोनों ने वापस जाकर आज उसी जगह पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ की चाबी भी उनके पास ही थी। उन्होंने कहा, वैसे भी अब अंधेरा होने वाला है और दिन में उजाले में अगर यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिल रही तो रात के अंधेरे में तो मिलना नामुमकिन है। चलिए ना, आज चलकर वहीं पर आराम करते हैं और क्या पता रात में या कल सुबह हमारी बिल्डर या एजेंट किसी से बात हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम उनसे बात करके ड्राइवर को बुलवा सकते हैं, जा सकते हैं। कहीं ना कहीं विनय को श्रद्धा की बात भी सही लगी। इस वजह से दोनों वापस उसी सोसाइटी में, उसी घर में पहुंच गए। वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन कम से कम बंद दरवाज़ा, छत तो थी जहां वो सो सकते थे, जहां वो आराम कर सकते थे। इस वजह से दोनों वहां पर पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद नल से उन्होंने डायरेक्ट पानी पिया और पानी पीकर दोनों चुपचाप ज़मीन पर लेट गए। जैसे ही वो ज़मीन पर लेटे उनकी नज़र छत पर गई और छत पर उन्हें पंखा दिखाई दिया। वहाँ पंखा, लाइट्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। तुरंत उन्होंने पंखे को ऑन किया और दोनों इतने ज़्यादा थके हुए थे कि उन्हें नींद कब आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। और जैसे ही दोनों की आँख लगी तुरंत उन्हें कुछ अजीब अजीब सी वही आवाज़ें जो कि दरवाज़ा बंद करने पर सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ें सुनाई देने लगी और उन दोनों की आंखें खुल गईं। दोनों ने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन अभी भी वहां पर कोई नहीं था। तब तक अचानक श्रद्धा को वहीं उसी आखिरी कमरे में वही काला साया नज़र आया जो कि विनय को नज़र आया था। श्रद्धा ने तुरंत विनय से कहा, विनय यहाँ कोई तो है, कोई अंदर कमरे में इधर से उधर कर रहा है। ये बात सुनते ही विनय को सुबह वाली घटना याद आ गई। विनय ने तुरंत श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मुझे बहुत नींद आ रही है,
प्लीज़ तुम भी सो जाओ, और हमें सुबह यहाँ से निकलने का इंतज़ाम भी करना है यार। प्लीज़ सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। तुम्हें भी पता है यहाँ पूरी सोसाइटी में हमारे अलावा कोई नहीं है यार, हम तो पूरी सोसाइटी भी घूम कर देख चुके हैं, क्यों ऐसी फालतू की बातें कर रही हो? और इतना कहकर विनय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और वो सोने की कोशिश करने लगा। अब दोनों को नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके बगल में कोई आकर बैठा हुआ है, और ये एहसास होते ही श्रद्धा फिर से उठकर बैठ गई और वो इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन श्रद्धा को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने जब विनय की तरफ देखा तो विनय अभी भी दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर सोने की कोशिश कर रहा था। अब श्रद्धा ने वापस से लेटकर सोने की कोशिश करना शुरू किया। तभी थोड़ी ही देर में श्रद्धा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गर्दन पर पीछे किसी की गर्म सांसें लगातार महसूस हो रही हैं। श्रद्धा ने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो वहाँ विनय मौजूद नहीं था। श्रद्धा डर कर उठ गई, और श्रद्धा के उठते ही उसने विनय को तुरंत तेज आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके कई बार आवाज़ लगाने पर भी उसे विनय कहीं भी ना तो दिखाई दे रहा था और ना ही वो उसके आवाज़ का जवाब दे रहा था। श्रद्धा काफ़ी डर चुकी थी, उसने पूरे घर में विनय को ढूंढ लिया, लेकिन विनय घर में कहीं नहीं था और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, तो विनय कहाँ जा सकता है? श्रद्धा को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक श्रद्धा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ज़ोर से पकड़कर खींचा और दरवाजे से दूर दीवार की तरफ फेंक दिया। श्रद्धा का सर दीवार से जा टकराया और श्रद्धा वहाँ बेहोश हो गई। अगली सुबह श्रद्धा को जब होश आया तब श्रद्धा ने देखा वो सड़क के बीचों बीच लेटी हुई है। श्रद्धा उठती, कुछ समझ पाती, वहाँ से हट पाती, तब श्रद्धा ने देखा उसके सामने से एक बहुत बड़ी सी गाड़ी चलती हुई आ रही है। श्रद्धा चाह कर भी ना तो उठ पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। थोड़ी ही देर में वो गाड़ी श्रद्धा के ऊपर से चढ़कर गुजर गई और श्रद्धा की मौत वहीं हो गई। श्रद्धा और विनय दोनों का सपना सपना ही रह गया। कहते हैं कि वो सोसाइटी आज भी वहीं है, और वो सोसाइटी आज भी पूरी तरह से खाली है, क्योंकि उस सोसाइटी की जो ज़मीन है वो ज़मीन कोई सामान्य ज़मीन नहीं, वो एक श्रापित ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर इस बिल्डर ने घर बनाने की गलती की। जिस गलती का भुगतान उसने तो बस इस तरह ही किया कि वहाँ के कोई घर ना तो बिके और ना ही उसकी लगाए हुए पैसे लागत वापस आई, लेकिन इसी घर को बेचने की वजह से ना जाने आज तक कितने लोग वहाँ पर गए और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आए। उन लोगों का कभी भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।